हे गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? इट्स मी निदा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रिव्यू, और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी बैम्बू का चारकोल शीट क्रीम मार्क्स का। तो ये एक पील ऑफ मार्क्स है। इसमें से आप लोगों में से कई लोगों ने इसे ऑलरेडी भी यूज़ किया होगा, लेकिन मैं आज इसका ऑल ओवर रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आप मेरी वीडियोस देखें सबसे पहले। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बैम्बू चारकोल शीट मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर इसमें मेंशन हुआ है बैम्बू चारकोल ऑयल कंट्रोल मार्क्स। तो ये आपके फेस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे भी कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये एक बॉक्स काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है, एंड इसमें इंग्लिश से ज़्यादा चाइनीज़ में लिखा हुआ है इसके इंग्रेडिएंट वगैरह एवरीथिंग। और ये एक चारकोल मार्क्स है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं इसे बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है इसकी कुछ इनर पैकेजिंग। ये एक ट्यूब फॉर्म में आता है, और ये यहाँ से भी सील पैक होता है ताकि इसमें एयर जाके ये ड्राई ना हो जाए। और मैं इसे दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, और मैंने इसे ओपन भी करा हुआ है। उसके बाद भी मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अगेन चाइनीज़ लैंग्वेज में मेंशन है, सो मैं वो नहीं पढ़ सकती। और बाकी का इसमें इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है, वो आप देख सकते हो। तो ये 2023 तक के इसकी एक्सपायरी डेट है, तो हम लोग इसे काफ़ी टाइम तक के यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसकी ऑल ओवर पैकेजिंग। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला और टेक्सचर के बारे में। तो इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। मेक श्योर आप जब इसे अप्लाई करें तो अपने फेस को क्लीन कर लें किसी क्लिनजर की हेल्प से, या तो फिर आप अपने फेस को टॉवल को एक हॉट वाटर में डिप करके उसे स्क्वीज करके जितना आप गर्म सह सकते हो अपने फेस पे, उतनी देर आपको 2 मिनट तक के उस टॉवल को अपने फेस पे रखना है। उसके बाद उसे रिमूव करके आपको ये मार्क्स अप्लाई करना है अपने फेस पे। एंड अगर आपको आपके पूरे फेस पर पूरे फेस पे आपको हेयर्स हैं तो आपको अप्लाई करना है। ये बेसिकली नोज़ के जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं और अनइवन हेयर जो फेस के होते हैं उसे भी ये निकाल देता है। इट्स वेरी हार्ड। और अगर आपको ये सिर्फ अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हटाने के लिए आप इसे यूज़ करो, तो मेक श्योर आप इसे सिर्फ अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करो। टी जोन एरिया अपने फोरहेड पे समथिंग, और अपने नोज़ के अराउंड और अपने चिन के नीचे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका ऑल ओवर रिव्यू। और जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो इसे ट्राई मत करें, क्योंकि वो इनकी स्किन पर हार्ड हो सकता है, उनकी स्किन रेड हो सकती है। मेक श्योर जब भी आप कोई भी मास्क ट्राई कर रहे हो चारकोल मास्क से रिलेटेड, या कोई भी मास्क आप अपने फेस पे लगा रहे हो, तो मेक श्योर आप उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लें अपनी नेक या हैंड पर। अगर वो आपको हर्ट कर रहा है तो आप अपने फेस पर मत अप्लाई करो डायरेक्टली, कुछ भी अपने फेस पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी अपनी छोटे सिस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अगेन वेरी थिक है। तो इसकी नोज़ पे, मेरी सिस की नोज़ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स हैं, तो मैं उसे रिमूव करने के लिए अपनी सिस के नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको ज़्यादा थिक लेयर नहीं अप्लाई करनी है, आपको थिन लेयर अप्लाई करनी है। और हमेशा आपको इसे अपोजिट डायरेक्शन में इसे पील ऑफ करना होता है। मान लीजिए आपने सीधी तरफ को अप्लाई किया है, तो आप इसे उल्टे डायरेक्शन में इसे पील ऑफ करेंगे। तो मैंने इसकी नोज़ पे अच्छे से इसे अप्लाई कर दिया है, और नोज़ के अराउंड थोड़ा फेस पे और अपर लिप्स के पास। तो हम इसे ड्राई होने देंगे। तो ये ड्राई होने में 10 to 15 मिनट्स लेता है। अभी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो मैं इससे अब निकाल के दिखा रही हूँ। इससे निकालने की एक टेक्निक होती है, बहुत इजीली आपके फेस से रिमूव हो जाता है एज यू कैन सी। और ये रिमूव होने के बाद आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है, और आप देख सकते हैं नोज़ एकदम क्लीन हो गई है और कोई भी हार्श रैशेज नहीं।
तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो नहीं ट्राई करें, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। कि सुपर ड्राई स्किन है मेक श्योर वो इसे ना अप्लाई करें, क्योंकि उनकी स्किन भी इसके साथ निकल सकती है। और अप्लाई करने से पहले आप इसका पैच टेस्ट अपने फेस या नेक पे और अपने हैंड पे ज़रूर ले लें। तो ये थी मेरी आज की ऑल ओवर वीडियो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि आप मेरी वीडियोस देखें सबसे पहले। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।